नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। वैसे तो पूरे सावन माह में शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है और सोमवार को तो शिवालयों में महादेव की विशेष पूजा अर्चना होती है। आज सावन माह के तीसरे सोमवार को भी शिवालयों में महादेव को प्रसन्न करने हेतु उनकी पूजा अर्चना करते हुए लोगों को देखा गया। आज हमसे बातचीत में पंडित रविशंकर ने महादेव की पूजा अर्चना करने और इसके फल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सुनिए क्या कह रहे हैं पंडित रविशंकर जी। हुआ उसमें सबसे पहले विष निकला, भगवान शंकर ने उसको पान किया तो विष की दाहकता को शांत करने के लिए सावन मास भगवान शंकर के लिए दिया गया, जो इनका अभिषेक और जल से स्नान परम जो है पुनीत माना गया। इसके साथ ही भगवान शंकर हमारे आदिदेव हैं और इनको महादेव भी कहा गया है। सारे देवताओं को देव, इन्हें महादेव, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों वृत्तियों का एक साथ निरूपण इनमें देखने को मिलता है। हमारे शिव के बारे में एक सूत्र श्लोक आता है कि एकम ध्यान निमिल नान मुकुलितम चक्षुर द्वितीयम पुनः पार्वत्या वदनाम भुजस्तन तटे श्रृंगार भाराल सम अन्यद्यूर विकृष्ट चाप मदन क्रोधान नलोद्दीपतम शंभो भर नरसम समाधि समय नेत्र त्रह पासन। यानी एक नेत्र से जितनी तन्मयता के साथ भगवान का परब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं उसी तन्मयता के साथ दूसरे नेत्र से भगवान जो है अन्यद्यूर विकृष्ट चाप यानी पार्वती के सौंदर्य का पान भी कर रहे हैं। तो एक नेत्र से सतोगुणी वृत्ति है, दूसरे नेत्र से रजोगुणी वृत्ति है और तीसरे नेत्र से अन्यद्यूर विकृष्ट चाप मदन क्रोधान्यलोद्दीपता, जो कामदेव जो बैठा हुआ है झाड़ियों में छिपा हुआ क्रोध की ज्वाला से उसे भी भस्म कर रहे हैं। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों वृत्तियों का एक साथ जिसके साथ समावेश हो वो महादेव की पूजा करने से और सोमवार में पूजा करने से वो परम पुनीत और कल्याणकारी होता है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुपी वंदना मृत्यु और मुक्ष मामता। इसके बारे में कहा गया कि जो तीन नेत्रों वाले महान हमारे भगवान आदिदेव महादेव हैं, यजामहे मैं उनका यजन कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारे जीवन में सुगंधि आए, हमारे जीवन में बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि उर्वारुकमिव, उर्वा हमारे यहाँ खरबूजे को कहते हैं संस्कृत में। खरबूजे के फल की एक विशेषता होती है कि वो कभी डाली से तोड़ा नहीं जाता है, अपने आप टूट जाता है, वो डाली को छोड़ देता है, इस वो डंठल लेश मात्र भी नहीं रहता। उसी प्रकार से मृत्यु और मुक्षीय मामृता, हम जो मानव हैं पृथ्वी के, वो इस माया मोह का जो डंठल है माया रूपी डाली से अपने वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में आने के बाद इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जब परलोक में जाएं तो माया का लेश मात्र भी डंठल मेरे साथ न रह सके, इसलिए मृत्यु और मुक्षी मानता हम मृत्यु लोक से मोक्ष की ओर, ऐसी कामना के साथ भगवान शिव की आराधना और ध्यान और पूजन।